हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि बहुत दिन बाद ब्लॉग लेके आ रहा हूँ। ब्लॉग लाने का रीज़न भी आप लोग को पता ही है कि तबीयत ठीक नहीं थी, अभी भी गले में टॉक्सिल लोके रखा है जिससे वॉइस क्लियर नहीं आ रही होगी आप लोग को। ठंड यहाँ बढ़ रही है, पानी भी बहुत ज़्यादा गिर रहा है आज 2-3 दिन से। अभी मॉर्निंग में हम जयकर जाने को लेके गए थे घुमाने के लिए, हमको आधे रास्ते से लौटना पड़ा क्योंकि पानी गिरने लगा था। फाइनली अभी कल रात में हमको कॉल आया कि सर्विस स्टेशन से कि आप अपनी गाड़ी ले जाइए, वो रिपेयर हो गई है। तो फाइनली आज हम अपनी टार्जन द वंडर कार को लेने जाएंगे, देखते हैं कितनी रिपेयर हुई है, कैसी रिपेयर हुई है, क्योंकि उस सामान आने में ही काफ़ी टाइम लग गया। 1 महीना होने को आया, गाड़ी शोरूम में ही थी, सर्विस स्टेशन में ही थी। तो आज चलते हैं, लेके आएंगे, देखते हैं। फिलहाल जैक जैनी को मैं घुमा के लाया हूँ तो वो सो रहे हैं, और उनको खाना मैं दे के जाऊँगा। और फिलहाल चलता हूँ, जल्दी जल्दी खाना बना लेता हूँ क्योंकि कितना टाइम लग जाएगा, कब लौटूंगा कोई पता नहीं। तो अपना हम खाना प्रिपेयर करके रख देते हैं कि जब भी आए तो अपन खाना खाएंगे। और खाना अगर ख़त्म हो जाएगा तो देखिए ये बनाना है कि नहीं बनाना, बट फिलहाल अभी के लिए तो जैक जनी के लिए तो बनाना ही पड़ेगा। चलिए जैक जनी से आपको मिलवाते हैं कि कैसे वो सो रहे हैं, इतना ज़्यादा थक गए हैं। तो चलिए जैक और जनी से मिलवाते हैं अपन कि किस तरीके से सो रहे हैं। तो ये देख सकते हैं, चेनी उठ गई है, देख रही है चेक की भी नींद खुल गई, सो रहे हैं ये लोग। चेक और जैनी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, चलते हैं, जल्दी जल्दी खाना बना लेते हैं, फिर आपको बताते हैं आगे की कहानी। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हमने खाना बना लिया, कुकर में चावल स्टीम हो चुके हैं, इसमें हमने सब्जी बना ली है, दाल वो हमारी किनारे रखी है प्लेट पर। तो एटलीस्ट आप ये समझिए कि हमारा ऑलमोस्ट खाना तैयार हो चुका है। अब जल्दी जल्दी तैयार होते हैं और चलते हैं क्योंकि वहाँ भी जाना पड़ेगा और मौसम बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं बाहर आपको अगर दिख रहा हो तो। मैं आपको बाहर से दिखाने की कोशिश करता हूँ, देखिए मौसम कितना ज़्यादा ख़राब हो रहा है। और अपन जल्दी जल्दी चलते हैं, चल के अपनी कार लेके आते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हम बैठे हुए हैं हुंडई के सर्विस स्टेशन में। ये यहाँ पे जो टीवी लगी हुई है इसमें सिग्नल ही नहीं आता है, या पानी की बोतलें रखी हुई हैं पर कोई वेटर ही नहीं है। और ये हमारे प्रभांश तिवारी जो अपना फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। तो एडवोकेट प्रभांश तिवारी जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे कि आप अभी क्या कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहेंगे, पता नहीं क्यों लगता है मुंह में इनके छाले हो गए हैं। और एसी भी बिल्कुल काम नहीं करी, अपन बैठे हुए हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है यहाँ पे। आज फाइनली हमारी गाड़ी हमको रिसीव होने वाली है। डेकोरेशन तो अच्छा करके रखा है, क्यों है ना, डेकोरेशन तो अच्छा है, लाइटिंग भी है, बिल में इसी का पैसा जोड़ते हैं, इतनी लाइटें जला के रखे हैं, फालतू में कोई मतलब है नहीं। तो फ्रेंड्स, हम लोग चलते हैं यहाँ से, हमारी गाड़ी मिलने में बहुत टाइम है, आज हम गाड़ी रिसीव नहीं करेंगे। और हम फाइनली देख सकते हैं आप सर्विस स्टेशन में बैठे हैं, यहाँ पे इतनी सारी गाड़ियाँ कबाड़ों के भाव में पड़ी हुई है और आज हमारी गाड़ी मिल नहीं पाएगी हमको ऐसा लगता है। तो हम चलते हैं, दूसरा काम करेंगे, लेट्स गो।